एक न्यूली डिवोर्स औरत एक यंग लड़के से प्यार करने लगती है, लेकिन उसके बाद आता है कहानी में असली ट्विस्ट। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अनऑर्गेनाइज्ड किलर। मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को किसी से भागते हुए देखते हैं और एक दूसरी औरत जिसने नकाब पहना होता है उसे मार देती है। और अगली सुबह हम किसी और शहर का सीन देखते हैं जहाँ ग्रेस अपनी दो फ्रेंड्स जैकलिन और क्रिस्टीन के साथ बातें कर रही होती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रेस का अभी अभी डिवोर्स हुआ है और अब वो अपनी बेटी के साथ रहती है और डिवोर्स में उसे अपने पति का रेस्टोरेंट और घर भी मिला होता है। तभी हम वहाँ एक बारटेंडर को देखते हैं जो काफ़ी हॉट होता है और उसी के साथ ग्रेस का अफेयर चलने लगता है। थोड़ी देर बाद ग्रेस का एक्स हस्बैंड भी वहाँ आता है और ग्रेस से कहता है कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन ग्रेस उससे काफ़ी गुस्सा होती है और उसकी एक नहीं सुनती और फिर जेम्स वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचने के बाद ग्रेस एलेक्स से मिलती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और तभी हम बाहर से देखते हैं कि एक लड़की उन्हें दूर से देख रही है। उसी रात ग्रेस की बेटी चार्ली अपनी फ्रेंड के घर चली गई होती है और जब ग्रेस सोना में रिलैक्स करने के लिए जाती है तो उनके घर में कोई घुस आता है। थोड़ी देर बाद जब ग्रेस सोना से बाहर निकलती है तो अचानक से उसके सामने मास्क पहने एक लड़की आती है और उस पर गन एम कर देती है। ग्रेस चिल्लाकर वहाँ से भाग जाती है और अपनी फ्रेंड क्रिस्टन के यहाँ पहुँचती है। कुछ देर बाद पुलिस वहाँ आकर देखती है लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता और कुछ सवाल करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। ग्रेस की फ्रेंड्स उसे सजेस्ट करती है कि तुम्हारा घर बहुत बड़ा है और तुम्हें कोई किराएदार रखना चाहिए और ग्रेस को भी ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है। अगली सुबह ग्रेस अपने रेस्टोरेंट में होती है और एलेक्स को बताती है कि जैकलिन ने किसी किराएदार को मिलने यहाँ भेजा है लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो कौन है। इतने में वहाँ एक लड़की जिसका नाम लिलित होता है वहाँ आती है और एलेक्स को देखकर मुस्कुराने लगती है। वो वही चीज़ें ऑर्डर करती है जो ग्रेस को भी पसंद होती है और इसी बहाने ग्रेस का अटेंशन भी लिलित की तरफ चला जाता है और वो दोनों बातें करने लगती हैं। कुछ देर बातें करने के बाद उनके बीच अच्छी केमिस्ट्री बन जाती है और फिर हमें पता चलता है कि लिलित वही लड़की है जिसे जैकलिन ने ग्रेस के पास भेजा था और लिलित को अपना किराएदार बनाने में ग्रेस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वहाँ से जाने के बाद ग्रेस लिलित को उसका रूम दिखाती है और वहीं थोड़ी देर बाद लिलित ग्रेस की बेटी चार्ली से भी मिलती है। कुछ देर बाद लिलित और चार्ली अनपैकिंग कर रहे होते हैं और अचानक से चार्ली को अस्थमा का अटैक आता है और लिलित उसका इनहेलर लेने बाथरूम में जाती है। लिलित बाथरूम में इनहेलर देखती है लेकिन उसे अपने पास ही छुपा देती है। तभी ग्रेस एलेक्स से बात करते हुए चार्ली को देखती है और उसे संभालने आ जाती है। किसी तरह वो चार्ली का दूसरा इनहेलर ढूंढ लेती है और फिर चार्ली अच्छा फील करने लगती है। अगले दिन जब ग्रेस और लिलित बातें कर रहे होते हैं तो ग्रेस कहती है कि एलेक्स काफ़ी अच्छा है और मुझे उसके साथ रहना काफ़ी पसंद है। तो लिलित भी उसे बताती है कि मुझे लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट है और ये सुनकर ग्रेस भी थोड़ी एक्साइटेड होती है। उसी रात ग्रेस और एलेक्स किचन में रोमांस करने लगते हैं और लिलित भी उन्हें देख रही होती है। क्रिस्टिन भी उसी वक्त वहाँ आती है और लिलित को देखकर उसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह क्रिस्टिन ग्रेस को फ़ोन करके बताती है कि तुम्हारी नई किराएदार मुझे ठीक नहीं लगी, लेकिन ग्रेस क्रिस्टिन की बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती। अगले सीन में हम क्रिस्टिन को देख रहे होते हैं जो अपने गार्डन में काम कर रही होती है और लिलित भी उसे वहाँ मिल जाती है। उन दोनों के बीच कुछ बातें होने लगती है और दोनों ही झगड़े के मूड में रहते हैं। फिर अगले दिन जब लिलित चार्ली के साथ अपने घर में होती है तो देखती है कि होम ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से ग्रेस को एक लेटर आया होता है जो लिलित के बारे में होता है। लिलित उसी वक्त उस लेटर को फाड़ देती है और उसे पता चल जाता है कि ये कंप्लेंट क्रिस्टिन ने ही की होगी। और अगले सीन में हम क्रिस्टिन को देखते हैं जो ओनर्स एसोसिएशन में अपने एक दोस्त से बात कर रही होती है और कहती है कि जितना जल्दी हो सके लिलित की सच्चाई मुझे पता करनी है। इतना कहकर वो फ़ोन रख देती है
और जब वो नहाने जाती है तो हम उसके पीछे किसी को देखते हैं। और जैसे ही क्रिस्टन पीछे मुड़ती है तो लिलित एक हथौड़ी से उसके सर पे वार कर देती है और क्रिस्टन वहीं बाथटब में गिरकर मर जाती है। फिर हम ग्रेथ और लिलित को किचन में देखते हैं और जब चार्ली आकर वहाँ से अपना बैग उठाती है तो उसकी बैग से कुछ आवाज़ आती है और जब वो अपना बैग ओपन करती है तो वो देखते हैं कि उसके बैग में कुछ अल्कोहल की बॉटल्स होती हैं और ये बॉटल्स लिलित ने ही उसके बैग में रखी होती हैं ताकि दोनों माँ बेटी के बीच झगड़ा हो और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, क्योंकि लिलित वहाँ किसी मकसद से आई होती है। फिर थोड़ी देर बाद ग्रेस अपने एक्स हस्बैंड जेम्स को फ़ोन करती है और कहती है कि क्या तुम चार्ली से एक बार बात कर सकते हो, क्योंकि मुझे उसके बैग में अल्कोहल की बॉटल्स मिली थी। तो जेम्स कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात कर लूँगा। उसी दिन हम देखते हैं कि ग्रेस के घर पर पुलिस आती है और उसे वहाँ पता चलता है कि किसी ने उसकी दोस्त क्रिस्टन को मार दिया है और ये बात सुनकर ग्रेस को बहुत बड़ा शॉक लगता है। फिर जब थोड़ी देर बाद वो लिलित से बातें कर रही होती है तो कहती है कि किसी ने सारे सिक्योरिटी कैमराज ऑफ कर दिए थे और शायद उनसे हमें क्रिस्टन के बारे में कुछ सबूत मिल पाते। इतने में एलेक्स घर की डोरबेल बजाता है और जब ग्रेस उसे रिसीव करने जाती है तो लिलित उसकी वाइन में कुछ मिला देती है। फिर रात को जब वो चारों डिनर कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि ग्रेस की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही होती और चार्ली कहती है कि मेरे फ्रेंड्स के घर पे आज रात को पार्टी है और मैं वेनेसा के साथ वहाँ जा रही हूँ। ग्रेस उसे कुछ कहने की हालत में नहीं होती और कुछ देर बाद एलेक्स ग्रेस को बाहर खुली हवा में ले जाता है, लेकिन ग्रेस उस पाउडर की वजह से अभी भी बेहोशी की हालत में होती है जो लिलित ने उसकी वाइन में मिलाई थी। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लिलित घर के सिक्योरिटी कैमराज बंद कर देती है और चार्ली भी वेनेसा के साथ पार्टी के लिए निकलने लगती है, लेकिन वो वेनेसा से कहती है कि मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं लग रही और मैं पार्टी में नहीं जाना चाहती। तो वेनेसा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रुक जाती हूँ। जिसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि लिलित और एलेक्स झगड़ा कर रहे हैं और ग्रेस बाहर बेहोश पड़ी होती है। लिलित उनसे झूठ कहती है कि तुम्हारी मॉम बेहोश थी और एलेक्स उसका फ़ायदा उठा रहा था। फिर अगले दिन ग्रेस जैकलिन को सारी बातें बताती है और जैकलिन को भी लिलित पर शक होता है। वो अपने फ्रेंड को फ़ोन करती है और लिलित के सारे रेफरेंसेस से उसके बारे में पता करने को कहती है। और जब जैकलिन ये सारी बातें कर रही होती है तो लिलित भी उसकी बातें सुनने लगती है। उसी रात लिलित सैड होकर पूल के पास बैठी होती है और ग्रेस के पूछने पर वो उसे अपनी स्टोरी सुनाती है और कहती है कि मैं पैदा होने के बाद ही अनाथ हो गई थी और फॉस्टर होम में ही मेरी परवरिश हुई। फिर एक फैमिली ने मुझे अडॉप्ट कर लिया और उनका एक बेटा भी था, लेकिन कुछ टाइम बाद मेरे उन पेरेंट्स की भी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और बड़े होने के बाद मुझे अपने स्टेप ब्रदर से प्यार हो गया, लेकिन एक दिन वो भी मुझे छोड़कर चला गया और तभी से मेरा आदमियों में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। ये सुनकर ग्रेस भी इमोशनल हो जाती है और लिलित उसे किस करने लगती है। थोड़ी देर बाद जैकलिन को उसके दोस्त से पता चलता है कि ग्रेस के घर पे जो लिलित है वो कोई और है और तुम्हें अभी इसी वक्त पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। ये बात सुनकर जैकलिन को शॉक लगता है और जैसे ही वो पुलिस को फ़ोन करने वाली होती है तो लिलित वहाँ आकर उसे पीट कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ग्रेस का बर्थडे होता है और हम देखते हैं कि लिलित चार्ली को गन पॉइंट पर कहीं ले जाती है और कहती है कि अपने डैड को घर पे बुलाओ, क्योंकि उसे पता होता है कि आज एलेक्स ग्रेस को बाहर ले गया है। रात को लिलित चार्ली को सोना में टेम्परेचर हाई करके बंद कर देती है और जब जेम्स वहाँ आता है तो उसे भी गन पॉइंट पर अंदर ले जाती है, जिसके बाद वो ग्रेस और एलेक्स को फ़ोन करते हैं और वो उसे बताते हैं कि जल्दी से घर आ जाओ और अगर तुमने पुलिस को इसके बारे में बताया तो मैं इन दोनों को मार दूंगी। जिसके बाद लिलित चार्ली को सोना में बंद कर देती है और जब ग्रेस और एलेक्स घर पहुंचते हैं तो जेम्स लिलित की गन पॉइंट पे होता है। ग्रेस कहती है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन किसी को कुछ मत करना। तो लिलित कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तुम्हारा एलेक्स चाहिए।
और यहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्स भी लिलिथ का ही भाई होता है। ग्रेस को ये सुनकर शॉक लगता है और लिलिथ कहती है कि ये मेरा स्टेप ब्रदर है और जब ये मुझे अपनी न्यू लवर के लिए छोड़कर चला गया था तो मैंने इसे ढूंढ निकाला, जिसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। और उसके बाद से हमें इन सब में मज़ा आने लगा और हम इनोसेंट फैमिलीज़ को इसी तरह डिस्ट्रॉय करने लगे। और फिर थोड़ी देर बाद जब लिलिथ ग्रेस को मारने वाली होती है तो जेम्स उसकी गन दूर फेंक देता है और फिर वो चारों लड़ने लगते हैं। ग्रेस एक लकड़ी से लिलिथ और एलेक्स दोनों को पीट देती है और चार्ली को बचाने अंदर चली जाती है। वो चार्ली को सोना से बाहर निकालती है और थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है। जेम्स ने भी पुलिस को कॉल करके बुला लिया होता है, लेकिन जब तक पुलिस वहाँ आती है तो एलेक्स और लिलिथ वहाँ से जा चुके होते हैं। फिर कुछ देर बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है और ग्रेस और जेम्स फिर से एक हो जाते हैं। अगले सीन में हम किसी और शहर में एलेक्स को फिर एक लेडी के साथ देखते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। वहीं हम लिलिथ को भी देखते हैं और फिर से उन्होंने किसी और फैमिली को फंसा लिया होता है और यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।